फिरोजाबाद जनपद में डेंगू और वायरल का प्रकोप अभी भी जारी है। नहीं थम रहा है वायरल फीवर, संक्रमित बच्चों के भर्ती होने का सिलसिला जारी। मेडिकल कॉलेज में 459 बच्चे भर्ती, 100 से अधिक वयस्क रोगी भी भर्ती। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार लगभग पिछले 25 दिन से फैला हुआ है। यहां संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। वही राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा कहती है कि उनके यहां पर मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, फिर भी अन्य जगह से मरीज आ रहे हैं। इस समय मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 459 मरीज भर्ती है। पिछले 24 घंटों में 107 मरीज बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं और 207 नए मरीज बच्चे आए हैं। वही अब लोग अपने बीमार पालियों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल तथा निजी डॉक्टरों की तरफ रुख कर रहे हैं। निजी हॉस्पिटल में अब जगह ही नहीं है। बहुत से निजी डॉक्टर के यहाँ इतनी भीड़ है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक उनका नंबर ही नहीं आया। कई डॉक्टर की क्लिनिक पर देखा गया कि फूलों भी चल रहे थे, जबकि जिला प्रशासन ने सख्ती से उम्मीद है कि डेंगू का लार्वा फूलों में पनप सकता है। बच्चे को देखकर दिखाने आए, 4-5 घंटे लगे। लाइन लगी हुई है? नंबर ही नहीं आ रहा। लाइन लगी हुई है? लाइन लगी है बहुत। दिखाने आए मरीज को, क्या तबीयत खराब, बुखार उखार आ गया। राहुल, कब से आप क्या कर रहे हैं? सुबह 8 बजे से। क्या बच्चा को बीमार आपका? जी सर। है सर, बुखार आ रहा है, उसके पेट में दर्द है। सुबह 8 बजे सर। अभी तक नहीं सर। ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्या हो रहा है? भीड़ सर क्या है, इमरजेंसी वालों को पहले दिखाया जा रहा है। मेरा नाम शिव प्रसाद है। देवता हो है, बुखार आ रहा है। सवेरे 8 बजे अभी ना आयो, नहीं और नंबर वो 33 है। तो अभी यहाँ 16 नंबर चल रहा है।